किया। इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो परिजन है पुलिस कर्मियों के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मित्रों, आज पुलिस स्मृति दिवस है। मैं इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर बलबीर अपने आप को बलिदान करने वाले उन सभी पुलिस कार्मिकों को, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि आज यहां पर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के 7 जवान पिछले 1 वर्ष के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। देश के अंदर 21 अक्टूबर 1959 से जब भारत चीन सीमा पर कार्यरत केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों पर अचानक दुश्मन देश ने हमला किया था, उस समय से जो जवान हमारे शहीद हुए थे, पूरे देश के अंदर केंद्रीय पुलिस बल हो या राज्य सरकारों की सिविल पुलिस, प्रतिवर्ष यह स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को आयोजित होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति बनाए रखने और 25 करोड़ लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के साथ ही प्रदेश को दंगा मुक्त करने में भी अपना सराहनीय योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में के प्रयासों से आज प्रदेश में संगठित अपराध पूरी तरह नियंत्रित हुआ है, प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इस दौरान शासन ने भी पुलिस बल के भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उनके आधुनिकीकरण और प्रदेश के ट्रेनिंग की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। पुलिस कार्मिकों के तमाम प्रकार की सुविधाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। विगत 5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर विभिन्न पदों पर 1,60,000 से अधिक पुलिस के अलग अलग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशिक्षण की क्षमता को प्रदेश के अंदर दोगुने से अधिक किया गया। पुलिस के आधुनिकीकरण के दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए और पुलिस बल के अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी प्रदेश के अंदर अनेक कदम उठाए गए। हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, नए थानों के गठन का हो, पुलिस के अंतर्गत प्रदेश के अंदर SDRF SSF के गठन की कार्रवाई हो, महिला कार्मिकों के पुलिस भर्ती के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था हो या प्रदेश के अंदर 3 महिला PSC की बटालियन के गठन की प्रक्रिया, ये सभी कार्य विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए पुनर्गठन और उनके आधुनिकीकरण के क्रम में भी किया गया। हम लोगों ने अनेक कदम उठाए हैं शासन स्तर पर भी, आज उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
आज भी हम लोगों ने जो बहुत दिनों से मांग थी, पुलिस कार्मिकों को 200 रुपये साइकिल भत्ता मिलता था, अब हम इसे 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता के रूप में पुलिस के जवानों को उपलब्ध कराएंगे। ई पेंशन की स्कीम लागू करने के साथ ही अन्य कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की भी आज घोषणा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश का ये सबसे बड़ा सिविल पुलिस का बल देश के सबसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखते हुए प्रदेश में कानून का राज को बनाए रखने में जो भूमिका उन्होंने अब तक निभाई है, इसको और मजबूती के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे। मैं सभी उन पुलिस जवानों को जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने आप को बलिदान किया है, प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बड़े बड़े माफिया आपको ईमानदार और बहादुर कह रहे हैं, कुछ उस पे बोल दीजिए। आएंगे